प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 सितंबर को ईस्ट एशियाई देश ब्रुनेई के दौरे पर रवाना होने वाले हैं, जहां वो राजा बोलकिया से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जी हां, ब्रुनेई यात्रा पर निकले पीएम मोदी सुल्तान हसनल बोलकिया से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उम्मीद जताई कि उनकी ब्रुनेई, दारुसलाम और सिंगापुर की यात्रा से भारत और आसियान के बीच साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 सितंबर को ईस्ट एशियाई देश ब्रुनेई के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। ये दौरा किसी भी भारतीय पीएम का पहला ब्रुनेई दौरा होने वाला है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को 40 साल पूरे हो चुके हैं। मोदी आसियान के महत्वपूर्ण साझेदार इन देशों की 3 दिन की यात्रा पर मंगलवार सुबह रवाना हो गए। मोदी स्थानीय समयानुसार शाम 5 बजे ब्रुनेई पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों के एक स्वागत कार्यक्रम में शिरकत करने के अलावा भारतीय उच्चायोग में न्याय चांसरी भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वो रात में उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी जाएंगे। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया ने पीएम मोदी को उनके देश आने का निमंत्रण दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्र में संबंधों को बढ़ाना होगा। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने बीते शुक्रवार कहा था कि ब्रुनेई भारत की एक ईस्ट पॉलिसी और दंडो पैसिफिक के विजन के लिहाज से एक खास साझेदार हैं। ब्रुनेई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र को लेकर विस्तार से चर्चा भी शामिल है। इसी के साथ साथ भारत यहां से हाइड्रोकार्बन इम्पोर्ट कर रहा है, तो वहीं नेचुरल गैस की आपूर्ति बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। द्विपक्षीय व्यापार निवेश की बात करें तो भारत में ब्रुनेई के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। नेचुरल गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे और आगे बढ़ाने के बारे में विचार किया जा सकता है। न केवल सेमीकंडक्टर प्राकृतिक गैस बल्कि दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्वस्थ और म्यांमार की स्थिति पर भी बातचीत हो सकती है। इतना ही नहीं, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्र में स्थिरता बढ़ाने पर बातचीत होगी। बता दें कि भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ पार्टनरशिप को और मजबूत करने में लगा हुआ है। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ साझेदारी कर इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना चाहता है, और ब्रुनेई एक समुद्र सीमा वाला देश है और इसकी उत्तरी सीमा दक्षिण चीन से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई में जिनसे मिलने जा रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि आलीशान जिंदगी जीने वाला एक सुल्तान है। बोलकिया ब्रुनेई के 29वें सुल्तान है। यही नहीं, 1984 में अंग्रेजों के जाने के बाद से वो देश के प्रधानमंत्री पद को भी संभाल रहे हैं। एलिजाबेथ सेकंड के बाद बोलकिया सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले पहले राजा हैं। 2017 में उन्होंने देश में 50 साल तक राज करने पर गोल्डन जुबली भी मनाई है। ब्रुनेई एक छोटा देश है, लेकिन देश में रहने वाले सुल्तान सबसे शक्तिशाली शख्सियत होने के साथ साथ सबसे अमीर राजाओं में भी गिने जाते हैं। कहा जाता है कि 1980 तक वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोलकिया की दौलत 2008 में 1,00,000 करोड़ रुपए थी। देश का राजा बनने के बाद उन्होंने 50 अरब रुपए का महल बनवाया था, जिसका नाम अस्ताना नूरुल ईमान था। कहा जाता है कि ब्रुनेई के राजा के पास जितनी दौलत है उतनी ही तमाम सरकारी सुविधाएं भी उन्हें मिलती हैं, जिसका उन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ता। जानकर हैरानी होगी कि ब्रुनेई एक छोटा देश है जिसकी जनसंख्या मात्र 4,82,000 है, लेकिन राजा के महल के अंदर जाने का अधिकार कुछ चुनिंदा लोगों को ही होता है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।